स्वागत है दोस्तों आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। जी हां, आज हो गया 12 मार्च 2020 गुरुवार और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, राजनीतिक चर्चाओं पर भी नजर डालेंगे और सरकार की भी बड़ी घोषणाएं हैं। देश में कई बड़े बदलाव, नए नियम भी हैं, तो एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं पहले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट, कई नए चेहरों को टिकट मिला है। जी हां, बीजेपी ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 9 नाम तो बीजेपी नेताओं के हैं जबकि 2 NDA के सहयोगी दल के नेताओं के हैं और पार्टी ने गुजरात में से 2, महाराष्ट्र में 2, असम से 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। ये लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में खाता, तो SBI खाताधारकों के लिए यहाँ पर 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले और अच्छी खबर तो ये है कि SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। अब मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होगी। अनिवार्यता जो थी मिनिमम बैलेंस की, उसको हटा दिया, यानी कि बचत खाते में अब मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। SBI ने बुधवार को सभी तरह के बचत खातों में यानी कि सेविंग अकाउंट्स पर एवरेज मंथली बैलेंस AMB की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसका मतलब यह कि ग्राहकों को अब अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट नहीं रहेगा। इससे तकरीबन SBI के 44 करोड़ ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। पहले दोस्तों ऐसा होता था कि सेविंग अकाउंट के ऊपर भी 3000, 2000 और 1000 अलग अलग ग्रामीण, शहरी, अर्बन, मेट्रो इलाकों के अकॉर्डिंग मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, राइट? और अगर वो मिनिमम बैलेंस नहीं रखते थे आप आपके अकाउंट में, तो आपके अकाउंट से पेनल्टी भी काटी जाती थी और जुर्माना भी आपको देना पड़ता था। लेकिन अब ये सारी सिस्टम बदल दिए हैं भारतीय स्टेट बैंक ने और अब आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। चाहे आप आपके खाते में, सेविंग अकाउंट में 0 बैलेंस भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो SBI ग्राहकों के लिए ये अच्छी खबर है। अच्छा, एक और अपडेट देख पा रहे, अच्छी खबर है भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारकों के लिए और वो ये कि MCLR रेट में कटौती हो गई है जिसके चलते होम लोन, ऑटो लोन वगैरह सस्ता हो जाएगा। जी हां, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि MCLR में 15 आधार अंकों की कटौती की है, 0.15% की कटौती की है और लोन की ये नई रेट है दोस्तों इसी महीने की 10 तारीख से ऑलरेडी लागू हो चुकी है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने जहां पहले लोन की रेट 7.85% थी, उसको घटाकर 7.75% कर दिया। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारकों के लिए एक और बड़ी खबर ये आ रही कि SBI ग्राहकों को बड़ा झटका, FD पर अब कम ब्याज मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर को घटा दिया है। SBI बैंक ने 45 दिनों तक की अवधि वाली शॉर्ट टर्म FD पर ब्याज में 0.50% तक की कटौती की है। वो रेटें भी इसी महीने की 10 तारीख से लागू हो चुकी हैं। तो SBI ग्राहकों के लिए ये 3 बड़ी खबरें और अपडेट हैं। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। तो देख पा रहे होंगे ऑनलाइन परीक्षा को लेकर देश के सभी कृषि संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी 1 जून को। जहां कृषि क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने विशेष योजना शुरू की है और इसके तहत देश के सभी कृषि शिक्षण संस्थानों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD छात्रों को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD में दाखिला लेने के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है वो 1 जून को ऑनलाइन होगी। तो ऐसे में आप भी अपने संबंधित स्कूल कॉलेज से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और चलिए अगला अपडेट आ रहा है इसी के साथ, चीन में शुरू हुए उस मसले को लेकर देख पा रहे। इस राज्य में 31 मार्च तक स्कूल, आंगनबाड़ी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल चीन में शुरू हुए उस मसले के चलते जम्मू कश्मीर के अंदर अब इस तरह का फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से और इसके तहत 31 मार्च तक के लिए एहतियात तौर पर सारे स्कूल्स, आंगनबाड़ी केंद्र, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सिनेमा हॉल बंद रखने का आदेश जारी किया गया। इसके अलावा आपको बताओ दिल्ली में भी 5वीं तक के स्कूल्स को 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा। तो इस तरह से राज्य सरकारों की तरफ से फैसला है और इसी के चलते एक और अपडेट देख पा रहे होंगे कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 2 सीमा हाट को बंद करेगा त्रिपुरा। अच्छा चलिए अगले अपडेट की बात करें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न करना उनके मौलिक अधिकारों का सीधा अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की समानता, गरिमा के साथ या उनको जीने में किसी भी पेशे को अपनाने के साथ उनके मौलिक अधिकारों का अपमान माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए एक महिला बैंक कर्मचारी के स्थानांतरण के आदेश को रद्द कर दिया और उसी के ऊपर ये रीऑर्डर दिया गया है। ये महिलाओं के हितों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है वैसे। चलिए अगला अपडेट देख पा रहे, यस बैंक को लेकर है। यस बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, NEFT और IMPS से क्रेडिट कार्ड और लोन का भुगतान अब कर सकेंगे। जी हां, यस बैंक ने अपने ग्राहकों को कर्ज अदायगी में छूट देने का ऐलान किया है और बैंक ने मंगलवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड या लोन का भुगतान NEFT और IMPS मोड से कर सकेंगे। मतलब अगर ग्राहक यस बैंक क्रेडिट कार्ड रखते हैं या फिर किसी अन्य बैंक
से लोन ले रखा है तो उसके भुगतान के लिए आपको एनईएफटी आईएमपीएस का इस्तेमाल करके भुगतान कर पाएंगे। एक अपडेट तो ये है दोस्तों यस बैंक के ग्राहकों के लिए, ठीक है। एक और अच्छी खबर ये आ रही है, यस बैंक के ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। दूसरे बैंक के खाते से 2 लाख से ज्यादा का कर सकेंगे पेमेंट। जी हाँ, यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड और लोन की किस्त भुगतान के लिए रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस की सेवाएं भी शुरू कर दी है। यानी अब तीनों सुविधाएं शुरू हो चुकी है, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी। और ऐसे में दोस्तों आरटीजीएस के जरिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का भुगतान अब यस बैंक के ग्राहक कर पाएंगे, ये अच्छी बात है। वहीं देखिए दोस्तों यस बैंक को लेकर, किस शेयर पर 17 साल में अर्श से फर्श पर आ गया यस बैंक। जिसके शेयर कभी हीरा थे वो अब मिट्टी में मिल चुके हैं। तभी तो कहा करते हैं दोस्तों कि वक्त कभी बताकर नहीं आता और इसीलिए हर वक्त को संभल कर निकालना चाहिए और सोच समझ कर सही फैसले लेने चाहिए ताकि भविष्य में आगे जाकर कोई दिक्कतें ना हो। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। पीएम मोदी ने कहा कि जनसेवा करने के लिए मंच आपके लिए हमेशा तैयार है और स्वागत है देश सेवा जनसेवा के लिए आपका। तो आखिरकार राजनीतिक चर्चाओं के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के एक बड़ी कद्दावर नेता थी वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो चुकी है। खैर चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अगले अपडेट में तो देख पाऊंगे कि मुंबई में अब ओला उबर चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में रोजाना कैब से ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी राहत भरी खबर आई है। दरअसल बात कुछ यूं है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर्स को राहत देते हुए एप्लीकेशन आधारित कैब के लिए प्राइस कैप फिक्स कर दिया है और नए रेगुलेशन के मुताबिक एप्लीकेशन आधारित टैक्सी अब काली पीली टैक्सी के मुकाबले अधिकतम 3 गुना तक किराया वसूल सकती है। यानी कि दोस्तों ये ओला उबर वाले भी अब कैब से अपनी मर्जी जितना किराया नहीं ले पाएंगे ग्राहकों से, मैक्सिमम 3 गुना तक किराया ले सकते हैं जो कि जनरल टैक्सी वाले लेते हैं उनसे। तो दोस्तों ये मुंबई के लोगों के लिए अच्छी खबर है। और अगला अपडेट देख पा रहे होंगे, IRDA यानी कि इरडा का आदेश है कि दोस्तों कोई भी हेल्थ पॉलिसी हो, कैसी भी हेल्थ पॉलिसी हो, आपको बीमा का लाभ मिलेगा। चाहे दोस्तों चीन में शुरू हुआ वो मसला हो या किसी भी तरह का और रोग बीमारी होना, तो भी आपको इरडा के आदेश अनुसार अब बीमा कंपनियां क्लेम देगी और बीमा की राशि देगी। चलिए अगला अपडेट है खेल समाचार स्पोर्ट्स न्यूज के तहत देख पा रहे होंगे, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जीत की पटरी पर लौटने को बेताब है विराट सेना। जहां आज लाइव क्रिकेट में शुरू होने जा रहा विराट की अगुवाई वाली भारतीय टीम और क्विंटन डिकॉक के नेतृत्व वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम के बीच पहला वनडे मैच आज 12 मार्च 2020 गुरुवार को खेला जाएगा। ये मैच कहां होगा और कब शुरू होगा? ये मुकाबला दोपहर के 1:30 बजे शुरू होगा भारतीय समय अनुसार, आधा घंटे पहले टॉस हो जाएगा। और दोनों ही टीमों के बीच होने वाले इस रोमांचक मुकाबले को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। और ऐसे में टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक हम सभी की तरफ से। अगर आप भी चाहते हो दोस्तों कि आज के इस मैच में भारतीय टीम की जीत हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, तो टेक न्यूज के तहत देख पा रहे होंगे कि 6000 mAh की बैटरी और 48 मेगापिक्सल कैमरे वाला सैमसंग गैलेक्सी M21 अमेज़न पर लिस्ट हो चुका है और अब आप 16 मार्च से दोपहर 12 बजे इसकी सेल में खरीद पाएंगे। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है राजनीति को लेकर, कांग्रेस का एक बड़ा फैसला है, अनिल चौधरी को दिल्ली और डीके शिवकुमार को कर्नाटक की कमान संभाला दी है। जहां कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अनिल चौधरी को दिल्ली प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और उन्हें पार्टी का पुराना कार्यकर्ता और अपने समाज पर पकड़ रखने वाले मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता है और इसीलिए इन्हें ये पद दिए गए हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है, लोन तो मिलने से रहा उल्टा जेब खाली कर सकते हैं चोर। जी हाँ, आपको सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों, ऑनलाइन के फील्ड में साइबर क्राइम करने वाले कई लोग बैठे रहते हैं जिनका मकसद ये होता है कि किस तरह से आपकी भूल चूक और आपके भोलेपन का फायदा उठाया जाए और आपको ठगी का शिकार बनाया जाए। तो इसी तरह से सरकार की कई योजनाओं के नाम से भी ठगपंथी करते हैं लोग बाग मार्केट में। ऑफलाइन मार्केट की नहीं, ऑनलाइन मार्केट की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया से लेकर आप इंटरनेट की वेबसाइटों तक हर चीज पर सावधान रहें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें। जब भी भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई स्कीम निकाली जाती है दोस्तों, तो या तो पीएम मोदी या तो बीजेपी वगैरह इनके ट्विटर पेज के ऊपर भी आपको देखने मिल जाती है, या इसके अलावा भी .gov.in एक्सटेंशन वाले वेब पोर्टल्स या .nic.in एक्सटेंशन वाले वेब पोर्टल की सेवाओं पर आप भारत सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अदरवाइज आप फर्जी चीजों पर बिलीव ना करें। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि फ्री में बदलवाएं आधार कार्ड में अपनी जरूरी जानकारी, यहां पर सुविधा मिल रही है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जहां आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है और ऐसे में अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई भी मॉडिफिकेशन यानी कि बदलाव करना चाहते हैं ना, जैसे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, एज में वगैरह में, किसी में भी, तो दोस्तों महाराष्ट्र के 1293 आधार सेंटर के ऊपर फ्री में ये सुविधा मिल रही है। उदय ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जहां पर आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह की डिटेल्स को फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। 14 मार्च तक इन सेवाओं का लाभ आप उठा सकते हैं इसी आधार सेंटर पर। और अगला अपडेट आ रहा है होंडा सिटी को टक्कर देने के लिए आ रही है टाटा की नई सेडान कार। देखिए भारत में कब लॉन्च होगी और क्या आपको नए फीचर्स मिलेंगे, तो इसकी कुछ लुकिंग वगैरह फीचर भी आप देख सकते हैं और उम्मीद है दोस्तों ये भारत के अंदर 2021 तक लॉन्च होने की संभावना है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है सऊदी अरामको ने रूस के साथ प्राइस वॉर छेड़ा है, रोजाना 10 लाख बैरल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। जहां दुनिया की बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको जो है ना, उसने बुधवार को कच्चे तेल क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है और रूस से छिड़े प्राइस वॉर के चलते सऊदी अरामको ने अपनी उत्पादन क्षमता 10 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का ऐलान किया।
जिससे कि वो रूस को पछाड़ सके। अच्छा अगला अपडेट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर, एक और देख पा रहे कि बजाज डोमिनार 250 भारत में लॉन्च हो चुकी है। 132 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड आपको इसमें मिलेगी और इसकी अक्ष शोरूम प्राइस है 1,60,000 रुपए। इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसमें इंजन मिलता है आपको 250 सीसी का, और भी ज्यादा स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। और चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स की, तो अच्छी खबर है आज 2.69 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। बड़ी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि कच्चे तेल में सीधी गिरावट आई और इसका असर पेट्रोल और डीजल की रेटों में देखने मिले डायरेक्टली। और उसके बाद बेसिकली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही नजर डाले आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर, तो अच्छी खबर है खुशखबरी, सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। जहां सोने के अंदर 516 रुपए तक की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 44,517 रुपए प्रति 10 ग्राम और वही चांदी में 146 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट चल रहा है 47,234 रुपए प्रति किलोग्राम। वही बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में बारिश हो सकती है। पंजाब हरियाणा में व्यापक बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। पंजाब और हरियाणा के साथ ही समस्त उत्तर भारत में भी बारिश की चेतावनी है। रबी की फसलें खराब हो सकती है किसानों के लिए। वही अगले 24 घंटों के दौरान बात करें संपूर्ण मौसम समाचार की, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ बौछारें गिरने के आसार है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और अरुणाचल के अंदर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये आज के मौसम समाचार के साथ ही आज की बड़ी खबरें खत्म होती है। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर हम आपके राज्य के समाचार और राज्य सरकार की तरफ से कोई नई स्कीम, नया न्यूज अपडेट आएगा तो तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा देंगे। इसलिए आपके राज्य और शहर का नाम आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको तमाम बड़ी खबरें और रोजाना के अपडेट्स तुरंत मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।